रात में मैंने सपना देखा था, मौसम अपना अभी बदल सकता है, तो ये बहुत ही बड़का नाम है। पाकिच लगा लेनी बस, मतलब मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया, खाता लेकर आई हूँ क्योंकि तो जैसा कि मैं आप लोगों को नहीं बताई थी, पर मैं अब बता दूं कि मैं आई हूँ दूसरे जगह, और इस जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी आप लोगों से। तो चलते हैं फिर और ढूंढते हैं। वैसे मैं बता दूं किस रीज़न से मैं आई हूँ। एक्चुअली रात में मैंने सपना देखा था कि साईं बाबा मेरे से बात किए और बोले कि मतलब मेरे द्वार पर आओ, चाहे मतलब मेरे से मिलने आए थे। तो मैं बहुत पता की, तो उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ ये जो है इस जगह पे मतलब साईं बाबा का मंदिर है और भी मंदिर है। तो हम चलते हैं पहले, और पहले मंदिर में एक बार देख लेते हैं, जाते हैं दर्शन कराते हैं और आप लोगों से भी मिलवाते हैं भगवान से। बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का, इसके बारे में एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था वैसे, मैं सच बोलूं तो। और ये है रहा पीपल का पेड़ शायद, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। इस स्टेशन का नाम बहुत ही गजब है, थोड़ा सा हमको ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा स्टेशन का नाम है, तो मैं बता दूंगी आपसे। तो अब चलते हैं, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, और मैं सोची कि अब आई हूँ तो छाता उता सब व्यवस्था करके आऊँगी, कि ये कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे कहीं भी मतलब बारिश मौसम अपना रूप बदल सकता है, जैसे इंसान बदलते हैं। तो जैसा कि मैं कल के ब्लॉग, उस दिन के ब्लॉग में बताई थी परसा बाज़ार का, तो वहाँ उस टाइम भी पूरा खाली था, और इस वाले स्टेशन पर भी बहुत ही खाली, क्योंकि ये स्टेशन नहीं हॉल्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मतलब मैं जहाँ पे उतरी हूँ, जहाँ जा रही हूँ मंदिर साईं बाबा से मिलने, ये कौन सा जगह है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी, तो आप लोगों को भी जब समय मिलेगा तो ज़रूर आइएगा। तो लीजिए हम बताया तो नहीं है, लेकिन दिखा देते हैं कि यही है गोविंद अली, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़का नाम है, तो थोड़ा मेरे मुँह से नहीं निकलेगा, वो लंबा नाम है, याद तक नहीं हो पाएगा। तो देखिए यही रहा, और हम अब यहाँ से उधर जाएंगे, वो आप देख रहे हैं वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे भी मंदिर है, तो वो मंदिर में हम लोग घूमने जाएंगे, मतलब पूजा करने जाएंगे, और आप लोगों को दिखाएंगे भी, ताकि आप लोग को भी जब आना होगा साईं बाबा से मिलने या दर्शन करने तो ज़रूर आ सकते हैं। वैसे मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुझे फिर वापस भी जाना है, और 20 मिनट में मुझे सब कुछ आप लोगों को दिखाना है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, और ये रहा मंदिर, और वो भी एक मंदिर है, तो पहले इस वाले मंदिर पे चलते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों, और जितना टाइम है उतना टाइम में आप लोगों को दिखा सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, और मुझे भी दर्शन करना था, तो मैं भी सोची कि चले आते हैं। और देखिए चलते हैं फिर अंदर में, आई डोंट नो कि मंदिर में वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं, लेकिन एक बार देखते हैं। वैसे तो दर्शन करने आए, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि ये कहाँ पे है एक्चुअली, मतलब लोकेशन किधर है इसका। तो चलिए अब चलते हैं, और ये रहा आपका मंदिर, ये रहा आपका बस, जिस बस में लोगों, मतलब इस बस से बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, मतलब जो आसपास हैं वो लोग आ सकते हैं इस बस में। और ये साईं बाबा का मंदिर है, वैसे अंदर से अगर होगा तो दिखाएंगे। चलते हैं अंदर, और ये जो है ना ये वाला बस, इस बस में भी मतलब आसपास के लोगों को बुला के लाया जाता है। तो अब चलते हैं साईं बाबा के मंदिर में। अब हम आ गए हैं साईं बाबा के मंदिर में, और अब हम जूता खोल के जाएंगे, सबसे पहले पैर धोएंगे, हाथ धोएंगे, उसके बाद आपको दर्शन करवाएंगे अंदर का। तो चलते हैं पहले हाथ पैर धो लेते हैं, अब उन्हें ना जाना तो पता चले कि उन्हें घिसक के सीधे पाकिच लगा लेनी, बस पूजा करते रह जाए हम। तो फिलहाल यहाँ पे पूरा मतलब उतना भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, और आपको भी पता है कि सब कोई सुबह में ज़्यादातर पूजा करता है, तो हम लोग दोपहर में इस वजह से भी आए थे कि ताकि आप लोग देख भी सके, क्योंकि भीड़ नहीं रहता है तो ज़्यादातर अच्छा रहता है दिखाने में। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था कि मतलब दिखाना नहीं है, वीडियो नहीं बनाना है, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। मतलब मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाना नहीं था, मेन मोटिव था आप लोगों को दिखाना, पूजा करना भी था। तो मैं आई थी तो सोची कि एक बार आप लोगों को दिखा भी दो तो ज़्यादा सही रहेगा,
वैसे लोकेशन भी आप लोगों को पता चली जाएगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि कौन से हॉल के पास है। मतलब मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ पे भीड़ नहीं होगा, वैसे क्योंकि दोपहर हो रहा है तो ऑलरेडी ऑब्वियसली है कि इस टाइम कोई आएगा नहीं, क्योंकि सारा कोई पूजा सुबह में ही करता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी कि ये साईं बाबा का मंदिर है और मैं आई थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका स्टेशन, और स्टेशन के जस्ट सामने आपको मिलता है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना तो यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर मिलता है। और एक जगह और उधर की इधर साइड मैं आपको जाकर दिखाऊंगी, वहाँ पे भी मंदिर मिलता है। मतलब वहाँ पे हमको नहीं पता कि कौन सा मंदिर है, लेकिन जाके दिखाऊंगी एक बार। हाँ, ये रहा मंदिर, वो तो हम मंदिर जाके दिखाएंगे। और यहाँ पे मैंने साईं बाबा से दर्शन भी कर लिए और अब हम लोग वहाँ से चलेंगे, तो फिर वहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिल रहा है, सुकून एकदम, मतलब शांति है माहौल, और सच में मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है एकदम। अगर कोई यहाँ पे भी आए वो मतलब, वैसे मैं फिर से एक बार स्टेशन दिखा दूँगी, उसके जस्ट सामने आपको मिलेगा साईं बाबा का मंदिर, और वहाँ पे भी एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं और उस मंदिर में भी आप लोगों को दिखाएंगे। और प्लीज़ एक बार ज़रूर आइएगा इस साईं बाबा के मंदिर में, अगर आइएगा इस स्टेशन तक। बताइए भाई, मंदिर है प्रसाद ना ले ऐसा हो सकता है का? तो अब जा रहे हैं हम लोग, प्रसाद ग्रहण करके पानी पियेंगे और फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। हम लोग दर्शन कर लिए और अब हम लोग निकल रहे हैं फिर जाने के लिए, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है ट्रेन का। और ये देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि ये ट्रेन, मतलब इधर ट्रेन आता है, ये मतलब स्टेशन है, और इसके जस्ट सामने आपको ये मंदिर पड़ेगा, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। तो अब चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं जा रही हूँ, छाता ले कर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मौसम बेईमान है, कभी भी लोग बदल देता है। तो चलिए अब उधर चलते हैं, इस साइड और ट्रेन के लिए, अब उधर से आएगा ट्रेन, फिर चलते हैं। तो चलिए अब उस टा लेके और देखते हैं ट्रेन आ रहा है कि नहीं, तो कचार के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, इंजन रह जाएंगे और पहुँच भी नहीं कर रही। तो चलिए अब हम तो साईं बाबा से मिल लिए, आप लोग कब मिल रहे हैं साईं बाबा से, हो जल्दी मिलेंगे। तो देखते हैं कब तक ट्रेन आता है, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। बोला तो बात किए थे फ़ोन लगा के कि कब ले आइएगा, मेरा काम हो चुका है, तो बोले थे कि बस अब आने ही वाले हैं, आप बस वेट कीजिए, वहाँ बैठे रहिएगा, और आपको अगर कोई कमी होगा खाना पीना में तो बोलिएगा, मैं आपको पहुँचा दूँगा। मैं बोली हूँ ट्रेन वाले से कि नहीं, आप अपना हवा हवाई लेके आइए, मेरा टाइम हो चुका है, अब हमको जाना भी है। तो अब आ रहे हैं, और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, पीछे पूरा गांव है, और इधर बाबा जी सोए हुए हैं, मैं सोने देती हूँ उनको, जो भी है। और देख सकते हैं पूरा पीछे गांव पड़ता है, इधर से रूट है आपको उतर के जाने वाला, हाँ इधर से पूरा रूट है, अंदर जाइएगा ना तो पूरा गांव पड़ता है, और नाली घर टाइप का, क्योंकि यहाँ पूरा मतलब गाँव जैसा माहौल है। देखिए आप लोगों से बतिया ही रहे थे तो ले हम और ट्रेनों आ गए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।